हालेलुया। तो ध्यान दो, यीशु को पता था कि इस टाइम पे क्या करना है। अगर कोई चीज प्रभु के बीच में, प्रभु की विल को पूरा करने के बीच में आ रही है तो कोई रिलेशन नहीं है बाहर। हालेलुया। आप लाड, आप प्यार में, जब शैतान फीलिंग लेके आ रहा, आप अकेले हो, आप वो तरस वाली, वो अकेला अकेलापन, वो सिंपति, ये चीजें क्या हैं? डेवल की ओर से हैं। और हमेशा डेवल आएगा, डेवल के ख्याल आएंगे, डेवल के लोग आएंगे आपके पास, जो आपकी इस परिस्थिति की एडवांटेज लेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरे दुखने समय थे, मेरे कोल आ रहे ने, समय व्यतीत कर रहे ने, होता उन्हें तो मेरे बारे सोचा ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं? डेवल के इंस्ट्रूमेंट आपकी परिस्थिति की एडवांटेज ले रहे हैं और आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दुख में हो, आप निराश में हो, आपको सिंपैथी चाहिए और आप उस फंदे में फंस जाते हो, और जो विल प्रभु ने आपको, डेस्टिनी जो रखी है, वंचित। आपको समझना है, बाइबल में लिखा है तुम उसकी तरकीबों से अनजान नहीं हो। आपको समझना है उस फीलिंग में गलत स्टेप या गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आओ, बहुत जरूरी है। अपने आप को स्ट्रांग रखो, प्रभु पे भरोसा बनाए रखो, शैतान के झूठ पे विश्वास ना करो पर प्रभु के सत्य पे विश्वास करो, आगे बढ़ो। हर परिस्थिति में वो चीजें, हमेशा डेवल आपको नेगेटिव चीजों की ओर आपकी नजरें ले जाएगा। पॉजिटिव चाहे 99% हो, आपका ध्यान हमेशा उस 1% पे जाएगा। चद्दर पूरी वाइट हो पर एक काला दाग, आपका नजर उसी पे जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है हमेशा पॉजिटिव चीजों की ओर, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखना, परिस्थितियों में बैठ नहीं जाना, फाइट करना। हालेलुया।